नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंजेंटा कंपनी की S4003 हाइब्रिड धान की। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जितने भी किसान भाई वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो उनको क्या करना है, आपने पिछले साल या फिर उससे पिछले साल जो भी वैरायटी बोई थी, आपको उसका उत्पादन कैसा मिला, उसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिली, गिरती है या नहीं गिरती है, आपका एरिया कौन सा है और कितना उत्पादन उसने दिया, कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं ताकि मुझे जानकारी हो सके कि आपके एरिया के अंदर कौन सी वैरायटी का कैसा रिजल्ट है और किसान भाइयों तक भी मैं उसकी जानकारी पहुँचा सकूँ। तो अब चलिए वीडियो को देख लेते हैं। तो साथियों, हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे अवधि से। तो जो सिंजेंटा की S4003 है, इसकी अगर हम अवधि की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसकी अवधि है वो 120 से लेकर के 125 दिन की होती है। अब अगर हम आएँ इसकी मिट्टी के ऊपर, तो लगभग सभी जगह पर आप इसको लगा सकते हैं, चाहे हल्की मिट्टी हो, मध्यम हो या फिर भारी मिट्टी क्यों ना हो, सभी जगह पर यह किस्म कामयाब है। ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 95 से लेकर के 100 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होती है। अब दोस्तों, हम आते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है वो मध्यम ऊंचाई वाली किस्म आप इसको बोल सकते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी जो बाकी बातें हैं, जो बाकी चीज़ें हैं इसके बारे में, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें ऊंचाई कम होने की वजह से, यानी कि 95 से 100 सेंटीमीटर होने की वजह से, ये जो वैरायटी है गिरती नहीं है, क्योंकि ऊंचाई जो है ये काफ़ी कम होती है और जो इसका तना है वो काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी मोटा होता है, जिसकी वजह से ये जो वैरायटी है गिरने की समस्या इसके अंदर देखने को नहीं मिलती। बालियों की बात करें तो बालियाँ जो है इसकी लंबी होती हैं, व जो दाना है वो काफ़ी मोटा होता है और तना काफ़ी मोटा और मजबूत होता है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि गिरती नहीं है। आगे चलते हैं तो आगे देख लेते हैं इसका जो उत्पादन है, अगर हम उसकी बात करें कि इसका उत्पादन जो है कितना देखने को मिलता है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन जो कल्ले हैं इसके अंदर, 12 से 15 कल्ले यानी कि शाखाएँ, जिसको आप बोल सकते हैं, देखने को मिलती हैं इसके अंदर होते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये जो वैरायटी है जल भराव के प्रति और सूखे के प्रति भी सहनशील होती है, यानी कि अगर आपके यहाँ जल जो है इकट्ठा होता है, भर जाता है, या फिर जो थोड़ा सूखा एरिया है वहाँ पर भी ये जो वैरायटी है कामयाब है, वहाँ पर भी किसी प्रकार की समस्या इसके अंदर देखने को नहीं आती, अच्छा खासा उत्पादन आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इसके उत्पादन की कि इसकी जो पैदावार है वो कितनी देखने को मिलती है, तो प्रति एकड़ की अगर हम बात करते हैं तो 25 से लेकर के 30 क्विंटल, 28 क्विंटल, तो लगभग ये जो पैदावार है इसकी देखने को मिलती है। हालांकि कहीं कहीं पर इसके जो पैदावार है वो थोड़ी ज़्यादा, 32 के क्विंटल, 33 क्विंटल तक भी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 35 क्विंटल तक भी देखने को मिली है। तो अगर आप अच्छे से देख रेख करते हैं और सभी चीज़ें उसको समय पर मुहैया कराते हैं तो इसको उत्पादन जो है इससे ज़्यादा भी हो सकता है, और अगर इसको सही समय पर कोई चीज़ ना मिले तो उत्पादन कम भी हो जाता है। हम सभी किसान भाई जानते हैं देख रेख के ऊपर हमारी जो खेती है, हर एक खेती डिपेंड करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं कामना करता हूँ कि आपका आज का दिन शुभ हो, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।